भगवान राम का जन्म महोत्सव है और इस जन्म महोत्सव को हम कैसे मनाएंगे, हमें अपने घर में किस प्रकार परिवार के साथ इस कार्यक्रम को कैसे आनंद पूर्वक संपन्न करना है, मैं आज आपको शांत हुआ लोग अपने घर में आए और शांति पूर्वक रहे, ये साईं बाबा की लीला है। और उस गुरु जो योगी राज है, जो भगवान राम का जन्म महान जय घोष के साथ प्रतिवर्ष चैत की रामनवमी के दिन संपन्न कराते हैं और पूरा दुनिया में संपन्न होता है, क्योंकि यह रामनवमी हमारे हिंदुस्तान में ही नहीं विश्व में भी अनेक ग्रंथालय में अलग से श्री रामचरितमानस का ग्रंथ रखा गया है, वहाँ भी राम के आदर्श, राम का चरित्र और राम के सिद्धांतों का अवलोकन किया जाता है, ज्ञान लिया जाता है और उस ज्ञान से वह व्यक्ति महान बनता है। इस महान तत्व को करने के लिए राम जन महोत्सव है। इस पावन बेला और श्री साईं बाबा का प्रतिवार दिन गुरुवार है, हम मंदिर में या कहीं नहीं जा सकते हैं, तो कल हम अपने घर में श्री साईं बाबा की प्रतिमा के साथ, भगवान राम की प्रतिमा के साथ एक कलश में चावल रखकर घी का दीपक जलाएंगे और दीपक जलाने के बाद भगवान को आम के पत्ते को उस कलश में रखिए और कलश के ऊपर में कटोरी में चावल रखिए और घी का दीपक जलाइए। साथी भाइयों, इस कलश यात्रा में जो मैं आपसे इस बातों को बता रहा हूं, उसका रहस्य क्या है कि मैं आपको बताया कि आम के पत्ते को कलश में रखिए। हमारे धर्मशास्त्र में बसंत ऋतु में आप देखे होंगे कि जैसी भी नदी होगी, जैसा भी नदी होगी, तालाब होंगे, इस बसंत ऋतु में वह नदी तालाब इतने स्वच्छ हो जाते हैं कि प्रकृति का कितना बड़ा प्रभाव उस सरोवर में पड़ता है। आज यह जो आम का पत्ता का मैं आपको उल्लेख दे रहा हूँ कि बसंत ऋतु में सभी वृक्ष के पत्ते झड़ जाते हैं और आम का पत्ता कब झड़ता है, जब तक दूसरा पत्ता स्टैंड नहीं होता है, उदय नहीं हो जाता है। उसी प्रकार आम के तोरण का, आम के पत्ते का महत्व ये है कि हम कलश में इस आम के पत्ते को जो स्थापित किए हैं, इसका उद्देश्य ये है कि वह घर, वह राष्ट्र का वंश वंशज बढ़ता रहे और समृद्धि छत्र छाया बनी रहे। इस आम के पत्ते का यह महत्व बताया गया है और महत्व बताने के बाद आप बढ़िया गंगा जल से बाबा जी का, साईं बाबा के स्नान ध्यान कराइए, साईं बाबा को टीका लगाइए, जनेऊ पहनाइए। जनेऊ पहनाने के बाद आप श्री साईं बाबा को फल फूल श्री फल चढ़ाइए, क्योंकि वह राम है, वह कृष्ण है, वह हनुमान है, वह दुर्गा है, वह काली है। इन सारी बातों को लेकर आप संकल्प करिए बैठकर कि हे सद्गुरु साईंनाथ बाबा, आज इस रामनवमी के पावन पर्व पर हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं बाबा कि हमारे देश में, विश्व में जो एक कोरोना का राक्षस घूम रहा है, बाबा ऐसा चमत्कार दिखाओ, ऐसा चमत्कार दिखाओ बाबा कि इस कोरोना रूपी राक्षस का नाश हो जाए बाबा और विश्व का कल्याण हो बाबा, विश्व में सद्भावना की जागृत हो बाबा। इस उद्देश्य को लेकर बाबा इस रामनवमी में मैं आपके चरणों में आज यही भाव अर्पण कर रहा हूँ। इतना करिए, संकल्प लेकर करिए, ध्यान लेकर करिए, विचार लेकर करिए और उसके बाद
जब 12 बजता है तो भगवान राम का जन्म थाली में कपूर की आरती के साथ करिए कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, भगवान प्रगट होइए, साईं बाबा प्रगट होइए। आज आपको इस विश्व में, इस हिंदुस्तान में असुर राक्षस का नाश करिए महाराज, कल्याण करिए। आपने जीवन काल में रावण ऐसे, कंस ऐसे महान महान इस करुणा रूपी राक्षस का नाश किए महाराज, विश्व का करो भगवान को चढ़ाइए। और आप जितने घर में हैं सब कोई बैठ कर उस भोजन, उस प्रसाद को प्राप्त करिए। अगर आपके यहाँ शंख है, ढोलक है, मंजीरा है, परिवार के साथ बैठकर साईं बाबा का भजन करिए, साईं बाबा का मंत्र का उच्चारण करिए, साईं बाबा का ध्यान लगाइए, बाबा आपका कल्याण करे, बाबा आपकी संपूर्ण मनोकामना पूरी करे। जो साईं बाबा शिरडी में ऐसा हैजा रूपी महामारी को नाश कर सकते थे, आज साईं बाबा भगवान राम के रूप में विश्व में एक कोरोना रूपी जो महामारी है उसको नाश करिए। कल का जो राम जन्म उत्सव है, इन्हीं उद्देश्य के लिए हम और आप अपने घर में, मंदिर में, आश्रम में भगवान राम से, साईं से ही प्रार्थना करेंगे कि आज इस रामनवमी में विश्व का कल्याण करिए, कोरोना रूपी राक्षस को नाश करिए। और हम और आप भारत सरकार के आदेशों निर्देशों का पालन करें ताकि गीता की बात सत्य हो और जीवन सुखमय आनंद हो। ओम साई राम, ओम साई राम। बहुत ही निराला है, जय साई। कुछ हुआ हो और इस वीडियो ने आपके दिल में थोड़ी भी जगह बनाई हो तो आप हमारे YouTube चैनल साई जीवन वालों को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑन करना ना भूले। तो आप सभी बने रहे साई जीवन वाला के साथ, तब तक के लिए जय साई राम।